नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का। जैसा कि कई दिनों से वीडियो नहीं जा रहा है और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, कहाँ हैं, कब वीडियो आएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि घर पे थोड़े बिजी थे और थोड़ा सा घर वगैरह का काम चल रहा था और साथ ही घर पे कुछ फंक्शन वगैरह थे, इस वजह से मैं एक हफ्ते से बिजी था। ठीक है, तो इस वजह से, और साथ ही आपका ऐप का कार्य भी चल रहा है जिसके माध्यम से आपको सारे विषयों का वीडियो मिलेगा। ठीक है, स्ट्रीमिंग भी मिलेगा, तो इन सारी चीज़ों की तैयारी चल रही है। स्टूडियो भी दूसरे जगह शिफ्ट हुआ है, तो दो तीन कार्य हो रहे थे एक साथ ही, इस वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल था और मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। तो फिर आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो भी मिलेगा और जल्द ही आप सभी को ऐप के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, चलिए आज का जो वीडियो है, थंबनेल पे देख चुके होंगे कि क्या बताने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 50 से 55 रागों के वादी संवादी जो स्वर हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट्स करते रहिए। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग रागों के वादी और संवादी के बारे में जानेंगे। प्रत्येक एग्जाम में एक दो या तीन क्वेश्चन रागों के वादी संवादी से आते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा लाइट कम आ रहा होगा क्योंकि अभी लाइट नहीं लगा है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, राग का नाम इधर है और वादी और संवादी स्वर है। ठीक है, तो राग जो बिलावल है, ये पहले जो आपके 10 थाट हैं उसका मैं, जो आश्रय राग है उसका मैं वादी संवादी बता रहा हूँ, आगे हम लोग चलेंगे। राग बिलावल का वादी जो है ध है और संवादी ग है। ठीक है, राग बिलावल का वादी ध और संवादी ग है। ठीक है, राग खमाज का वादी ग है, संवादी नी है। ठीक है, यहाँ पे राग काफी का वादी प और संवादी रे है। राग भैरव का वादी कोमल ध और संवादी कोमल रे है। ठीक है, भैरवी का वादी म संवादी सा है। ठीक है, एक एक राग का वादी संवादी आप लोग देख रहे हैं। पूर्वी का वादी जो है ग है और संवादी नी है। ठीक है, उसके बाद मारवा का वादी रे है और संवादी धा है। ठीक, साथ ही आपका असावरी राग जो है इसका वादी कोमल धा और कोमल ग है। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो असावरी राग का वादी क्या है, कोमल धा और संवादी कोमल ग है। ठीक है, ये आपके असावरी राग हो गए, इस तरह से 8 राग हो गए। चलिए मैं इसमें 50 से 55 रागों का वादी संवादी बताऊंगा, जो आपके महत्वपूर्ण राग है, मुख्य राग है, जो आप लोग बार बार सुनते हैं, आपके बार बार एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे राग तोड़ी का जो वादी संवादी है, वादी ध है और संवादी ग है, राग तोड़ी का। उसके बाद कल्याण, ठीक है, राग कल्याण शुद्ध कल्याण है। ठीक है ना, यहाँ पे शुद्ध कल्याण, ठीक है, शुद्ध कल्याण का वादी है जो है ग है, संवादी ध है। दरबारी कनाड़ा का वादी रे और संवादी प है। मालकोंस राग का जो है वादी माँ है और संवादी सा है। राग ललित का वादी माँ है, संवादी सा है। राग पुरिया धनाश्री का वादी प है और संवादी सा है। यहाँ राग श्री का वादी जो है रे है और संवादी प है। राग रागेश्री का जो वादी है वो ग है और संवादी नी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राग बागेश्री का वादी मा संवादी सा। राग बसंत का वादी सा है और संवादी मा है। राग परज का वादी तार सा है और संवादी पा है। राग रामकली का वादी प है, संवादी सा है। राग अड़ाना का वादी सा है, संवादी पा है। ठीक है, राग जोग का वादी माँ है, संवादी सा है। यहाँ पे देखिए, राग जय जवंती का वादी रे है और संवादी पा है। और राग भोपाली का वादी ग है और संवादी धा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो महत्वपूर्ण राग हैं उन सभी का वादी संवादी आपको देखने को मिल रहे हैं।
यहाँ पे देखिए राग देश का वादी जो है रे है और संवादी प है। देसी राग इसका वादी प है और संवादी रे है, ठीक है। राग मालगुंजी जो है इसका वादी म है और संवादी सा है। राग छायानट है इसका वादी रे है और संवादी प है, ठीक है। राग मियाँ मल्हार इसका वादी सा है और म है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पे मियाँ मल्हार के जो वादी होते हैं कहीं पे सा दिखाते हैं और संवादी प दिखाते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे वादी म दिखाते हैं और संवादी सा दिखाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सा म वादी दिखाते हैं और प सा संवादी दिखाते हैं। राग गौड़ मल्हार का वादी म और संवादी सा है, और राग हिंडोल का वादी जो है धा है और संवादी ग है। राग विभास का वादी स्वर धा और संवादी रे है। चलिए आगे देखते हैं, ये जितने भी राग हैं आप इनका नाम सुने हैं और बेशक ये राग महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए राग तोड़ी का वादी ध और संवादी ग है। राग गौड़ सारंग जो है उसका वादी ग और संवादी ध है। राग जौनपुरी वादी ध संवादी ग, ठीक है, कोमल ध कोमल ग। राग बहार जिसका वादी म है संवादी सा है। राग हामीर जिसका वादी ध और संवादी ग है। राग तिलक कमोद जिसका वादी सा और संवादी प है। राग गौड़ सारंग जिसका वादी ग और संवादी ध है। यहाँ पे दुर्गा जो है उस राग का जो है वादी ध है और संवादी रे है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, राग देशकार जिसका वादी ध और संवादी ग है। राग शंकर, ठीक है, शंकर नहीं संकरा है, ठीक है। राग संकरा जिसका वादी प है और संवादी सा है। राग तिलंग का वादी ग संवादी नी है। यहाँ पे पीलू राग जो है उसका वादी ग और संवादी नी है। राग पटदीप का वादी प और संवादी सा है। राग सोहनी का वादी ध है संवादी ग है। राग कामोद का जो है वादी प है और संवादी रे है। उसके बाद राग मुल्तानी का वादी प है संवादी सा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं राग केदार। राग केदार का वादी म और संवादी सा है। राग भीमपलासी का वादी म और संवादी सा है। राग शिवरंजनी का वादी प और संवादी सा है। राग चारुकेशी जिसका वादी म और संवादी सा है। राग पहाड़ी वादी सा और संवादी प है। कलिंगड़ा का वादी प और संवादी सा है। पूरिया का वादी जो है ग और नी है, ठीक है, वादी ग और संवादी नी है। देखिए इस तरह से फटाफट आप लोगों ने कम ही समय में 55 महत्वपूर्ण रागों के वादी संवादी जान गए, ठीक है। और इसके बाद इन रागों के आप गायन समय भी जानेंगे, ठीक है, इन रागों के थाट जानेंगे, ठीक है। तो ये जो राग हैं इनके बारे में आप लोग एक एक वीडियो में अच्छी तरह से वादी संवादी थाट गायन समय समझ लेंगे, ताकि आपके 50 से 60 जो महत्वपूर्ण राग है उनका वादी संवादी क्या है, उनके थाट क्या है, उनके गायन समय क्या है। ये तीन प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछते हैं, किस थाट का ये राग है, या इसका गायन समय क्या है, या इसका वादी संवादी क्या है। राग के परिचय में ये तीन चीज़ें हमेशा पूछता है। उसकी जाति भी पूछती है कि जाति इसका आड़ो साड़ो है या संपूर्ण है, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो कम समय में मैं जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहती है उसको बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अब आज से क्लास रेगुलर करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखेंगे। उसके साथ ही ऐप पे कार्य चल रहा है, जल्द ही आपका ऐप लॉन्च हो रहा है, उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे और वहाँ से अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि देखिए इन रागों के वादी संवादी जो है कई जगहों पे किताबों में आप लिखे होंगे पढ़े होंगे, तो कहीं कहीं पे कुछ अलग ही स्वर आपको देखने को मिल सकते हैं, या गूगल पे सर्च करेंगे तो कहीं कहीं पे गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें गलत रहती है, क्योंकि गूगल पे जो मैटर मिलता है वो हम ही लोगों से मिलता है, इस वजह से वहाँ पे भी गलत होने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। तो इसमें जो वादी संवादी जो स्वर बताए गए हैं इसमें से किस राग का वादी संवादी गलत बता रहे हैं या इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही
ये भी मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी राग का वादी जो संवादी वादी संवादी जो होता है वो कहीं ना कहीं पे किसी किसी राग में अलग दिखाता है। ठीक है, तो इस भ्रांति में न रहिएगा कि सर ने गलत बताया है, इसको ज़रा देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।